टीचर क्वेश्चन पूछ रही क्या बेबी एलिफेंट और आप क्या बोल रहे हो हाथी का बच्चा चलो बता ठीक है फर्स्ट यहाँ पे क्या बैठा है उससे क्या बैठा है छोटा सा बेबी एलिफेंट है जिसने ब्लैक जीन्स पहनी है जिसने टी शर्ट रेड कलर का पहना है जिसके हाथ में जग है जिसके अंदर लस्सी है और वो पी रहा है। ये मत देखना क्या है मत देखना पर आपके माइंड में पिक्चर बनाया है सबको पिक्चर दिख रहा है कितने बच्चे हंस रहे क्यों क्योंकि जो लस्सी पी रहा है ना वो मेरे सर में गिर रहा है चकले पे चेहरे में लस्सी गिर रही है ठीक है सब लोग हंस रहे देखो क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर बन रही है क्या बन रही है पहला कौन है यहाँ पे कौन बैठा है उससे कौन सा जींस बना है क्या हो रहा है कब गिर रही है समझ रहे हो बात को
वही चीज मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट में सिखाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन सब में वो क्षमता है और वो सब बोल के दिखाएंगे। सिर्फ तरीका नहीं पता आपको, आज वो तरीका बताएंगे, एक टेक्निक बताएंगे और उस टेक्निक के बाद आप लोग जो सीखोगे तो आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सीखना चाहोगे ढंग से तो आपको आपके मन को दिल से खोलना पड़ेगा। चलिए ये है, बोलो तो बोलते हैं। शाम पढ़ने को तो बोलेंगे तब पढ़ो ना, मालूम है आता पढ़ने तब तो दिमाग का बढ़ गया। एशिया कितने बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसके पढ़ी बता दिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है, ठीक है। पर अभी आप जो सीखोगे ना उस तरीके से अगर आप सीख जाओगे तो आपकी मेमोरी 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ेगी, तो थोड़ा ध्यान में बढ़ा नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। चलिए एक छोटा सा तरीका, जैसे हिंदी और इंग्लिश में पढ़े क्या दिखाइए,
से बोल सेंटेंस बोल तो सही जोर से बोल क्या क्या फिर से बोल वेरी गुड क्रिकेट बहुत देखता बच्चा ये एंड्रू नाम का लड़का एंड्रू नाम का क्रिकेटर प्रदेश में भाग गया भाग्य ने पोज दोनों हाथ से अगर आप लिखते हो तो सोचो आपके
मस्तिष्क की इतनी सारी फाइलें खुलेंगी, इतनी सारे स्ट्रॉन्ग आपके ब्रेन बनेंगे कि आपको कभी कोई चीज़ से डर नहीं लगेगा जब वो पढ़ाई की बातें होगी। ठीक है, अरे रुक जा, बोल दे, दे देता हूँ विवाद, थोड़ी देर बाद देता हूँ मैं। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आपकी मेमोरी चेक कर ले एक बार।